क्वेश्चन को कि हाँ आरएनए पॉलीमरेज कल्ला ही इतने जिंदे काम के में करता है, आरएनए पॉलीमरेज के में इनिशिएशन करता के में एलॉन्गेशन करता के में टर्मिनेशन करता है, तेंदा आरएनए पॉलीमरेज इज कैपेबल ऑफ डूइंग दीज, ए क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इन 2 मार्क्स इन 1 मार्क्स आरएनए पॉलीमरेज के में ये कितने काम करता है, दैट विल एसोसिएटेड विद अनदर फैक्टर दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर आ तोड़े कोले एस फॉर्म दे विच सिग्मा दे विच ते टर्मिनेशन फैक्टर आ तोड़े कोले एस फॉर्म दे विच, ओ कहंदा ओ इनिशिएशन फैक्टर ते टर्मिनेशन फैक्टर दी हेल्प दे नाल ही तिन्ने काम करदा आ। वैसे आरएनए पॉलीमरेज कल्ले दा काम कल्ला एलॉन्गेशन करदा, तुसी देखा आ ते जदों इनिशिएशन हुंदी आ बाद जिहड़ा तुहाडे कोले इनिशिएशन फैक्टर है बाहर निकले होता, इनिशिएशन तो बाद इलोंगेशन वाले स्टेप दे विच कल्ला ही एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है, ते टर्मिनेशन जिथे उन्हें जाके उन्हें स्टॉप करना जो आरएनए बाहर निकले है तो उत्थे जाके अगला टर्मिनेशन फैक्टर एंटर हुंदा है। जे तुसी अपनी डायग्राम 6.10 नूं ध्यान नाल देखो तां उहदे विच उन्होंने फर्स्ट दे विच जिहड़ा फैक्टर है इनिशिएशन एंड आरएनए पॉलीमरेज दे नाल आ इलोंगेशन कल्ला आरएनए पॉलीमरेज करदा बाहर निकलया आ ते टर्मिनेशन दे विच टर्मिनेशन फैक्टर नाल जुड़दा है जिहदे करके तिन्ने काम हुंदे हो। इन बैक्टीरिया मैसेंजर आरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, वो कहता बैक्टीरिया दे विच मैसेंजर आरएनए दी कोई प्रोसेसिंग दी लोड़ नहीं जिहदे करके ट्रांसक्रिप्शन ते ट्रांसलेशन इको टाइम ते इको जगह च हो जांदियां ने। मैनी टाइम्स ट्रांसलेशन कैन बिगन मच बिफोर द मैसेंजर आरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब्ड, बैक्टीरिया दे विच ट्रांसक्रिप्शन ते ट्रांसलेशन इको जगह ते हो जांदियां ने, कई बारी हजे ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए बणिया नहीं हुंदा, ट्रांसक्रिप्शन हजे हो ही नहीं होंगी उस तो पहले ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है, दैट इज इन सम बैक्टीरिया। इन यूकैरियोटिक देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्स, जिहड़े यूकैरियोटिक ने इन्हां दे विच इकट्ठी क्यों नहीं होंगी, मीन साडे विच ट्रांसक्रिप्शन ते ट्रांसलेशन इकट्ठी क्यों नहीं होंगी, इहदे पुत्तर जी 2 रीज़न ने। फर्स्ट पहला रीज़न तां तुहाडे कोल ए आ कि देयर आर एटलीस्ट 3 RNA polymerases in the nucleus that show the division of flavor, ओ कहंदा सानू इस वास्ते 3 polymerases चाहिए ने, RNA polymerase जिहड़ा सी RNA polymerase एंजाइम कीता है ना साडे कोल यूकैरियोटिक्स दे विच ए RNA polymerase किन्ने ने 3 3 बैक्टीरिया दे विच इक होना है 3 RNA polymerase ने, दैट विल शो क्लीयर का डिवीजन ऑफ फ्लेवर, एदा मतलब यह है कि तिन्ने काम करते आपो अपने, तिन्ना ने अपना अपना काम करना ही करना है। पहला दसदा जो RNA polymerase 1 दैट ट्रांसक्राइब्स राइबोसोमल RNA, पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल RNA बनाता है, राइबोसोमल RNA चाहे वो 28 एस का चाहे 18 एस का चाहे 5.8 एस का, ए एस वगैरह होंगे राइबोसोम की स्ट्रक्चर जो माड़ी मोटी 9 इंच जार्स हो दिखाया सी कि 2 पार्ट्स होंगे ने सबस्ट्रेट, 2 पार्ट्स एक छोटा एक बड़ा होंगे आ वो बेस से वह किन्ने एस का वो अं ना रख लेंगे। एंड RNA polymerase 3 is responsible for transcription of transfer RNA. Ribosomal RNA ले polymerase 1 चाहिए तो transfer RNA वास्ते polymerase 3 चाहिए, उस तो बिना जरा तो polymerase 3 या वो 5S RNA means तो 5 ribosomal RNA 5SN RNA small nuclear RNA ए बी बनाता है, और हम जिहड़ा तुहाडे कोल पॉलीमरेज 2 आ दैट विल ओनली डू द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए, कला पॉलीमरेज 2 आ मीनस इतने असी
मैसेंजर आरएनए बनाया तो जा आ वाला एंजाइम यूज कर दिया ट्रांस पॉलीमरेज टू। जो असी मैसेंजर आरएनए बनाना, मैसेंजर आरएनए नहीं बनना है जिन्हें साढ़े को सब टैंपलेट का काम करना, बाकी जड़े दूसरे ने वो थोड़े को बनाते हैं एक राइबोसोमल आरएनए बना एक ट्रांसफर आरएनए बना। यही रीजन आ कि साढ़े साइमल्टेनियसली मीनस मतलब कि इकट्ठी इको टाइम से ज इको जगह के उत्ते ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होंगी यूकैरियोटिक के सैल्स के। सैकेंड रीजन की सैकेंड कॉम्प्लैक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन कंटेन मोर द एक्सोन एंड इंट्रॉन दैट आर नॉट फंक्शनल। हूँ जो थोड़े को ट्रांसक्रिप्शन बनया जो आह वाला आर एन ए बनया, जो मैं तुम स्टार्टिंग आर एन ए बारे दसिया आ तो मैं दसिया कि आर एन ए को कुछ नॉन कोडिंग ने कुछ कोडिंग जिन्हों एक्सोन एंट्रोन्स कहते हैं। हूँ उन्हें दसिया कि जोड़ा आर एन ए पुत बनया है आर एन ए ने आई क्यों बनाया डी एन ए की तरह क्यों नहीं शो किया सिंगल। हाँ आर एन ए सिंगल स्टैंडर्ड की जोड़ा ये आर एन ए बनया ये कुछ पार्ट्स एक्सोन कहते हैं कुछ एंट्रोन्स ने दसिया ना पहला तो दसिया थो सैकेंड यही रीजन है कि कॉम्पलैक्सिटी का इट इज सबजैक्टड टू ए प्रोसैस कॉल्ड सप्लाइसिंग सप्लाइसिंग वेयर इंट्रोन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सोन्स आर जॉइंड। ये कुछ पार्ट्स वो थोड़े को दस रहा है कि कुछ पार्ट्स ने सपोज करो मेरे को आ जरा नवा डी एन ए बनया एना वाला पार्ट हाँ मैं डार्क शो करता लाइट फिर डार्क आ गया लाइट डार्क लाइट डार्क जोड़ा ए वाला पार्ट है इन असी सपोज इट इज नाइट एंट्रोन्स एंड इज आर एक्सोन्स। तुम दसिया कि एक्सोन के बिच की होंगे इंट्रोन ठीक है। हम जोड़े इंट्रोन्स ने दे आर नॉन फंक्शनल उन्होंने कोई काम ही नहीं है जोड़े इंट्रोन्स ने इन्हों का कोई काम नहीं है तो जोड़े इंट्रोन्स ने बाहर कड़ दिते जाते हैं फिर इन्होंने बाहर कढ़ने के प्रोसैस में वी कॉल इट सप्लाइस इंट्रोन रिमूविंग ऑफ इंट्रोन इज कॉल्ड सप्लाइस। फिर उस तो बाद जब इंट्रोन्स कढ़ ले जाते हैं तो एक्सोन ज्वाइन कर दिया जाता है। एच एन आर एन ए अंडरगोज एडिशनल प्रोसैसिंग कॉल्ड एज कैपिंग एंड टेलिंग। हम कैपिंग का टेलिंग की है कैपिंग की है पुत्र जी कैपिंग के विच जड़ा न्यूक्लियोटाइड है मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाता फाइव एंड सपोज दिस इज योर फाइव एंड दिस इज योर थ्री एंड जो असी केड़ा न्यूक्लियोटाइड उन्होंने थोड़ा दसिया है मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मिथाइल गुआनोसाइड ट्राइफॉस्फेट मैं चला इन्हे का नाम रख दूंगी जो असी इन फाइव एंड से एड करते हैं तो उन्होंने कह देंगे कैपिंग एंड टेलिंग के विच एडीनील एडी एडीनीलेट रेजिड्यू आर एडेड एट थ्री एंड थ्री एंड के उत्ते जो एडीनील एड करते हैं उन्होंने कह देंगे टेलिंग। इस तो बाद जो आर एन ए बनना वो फुली मैच्योर बनना है पहला जो आर एन ए बनता वो मैच्योर नहीं होंगे फिर तुम अगे क्वेश्चन एक दस नहीं भी मैच्योर आर एन ए चो चीज़ दिसदी है क्या से ना कि मैच्योर आर एन ए च एक्सोन्स दिसते एंट्रोन दिसते हैं वो मैच्योर आर एन ए कदों बनता जो एंट्रोन ये कट लेंगे कढ़ने सप्लाइसिंग कहते हैं जो ये मिथाइल ट्राइफॉस्फेट ऐड करते हैं फाइव एंड से कैपिंग कह रहे जब एडीनाइन एड करते हैं थ्री एंड से तो उन्होंने टेलिंग कहते हैं। दीज ऑल स्टैप्स आर डन इन मैच्योर